इस वर्षों से दो परिवार माफिया परिवारों का कब्जा था, लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था और उन्हें 3 मार्च का इंतजार था। हम जनसंपर्क में प्रचार में जब जाते थे तो जिस तरह माताएं बहनें मोदी जी योगी जी के विकास कार्यों को देखते हुए और उनसे जिस तरीके का उन्हें लाभ मिला था निश्चित तौर पर आशीर्वाद देती थी। एक जो विधायक था इस समय वो अपनी स्थिति को जानते हुए हमारे निषाद पार्टी के टिकट के लिए बहुत दिन तक प्रयास करता रहा, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व ने उस माफिया को नकार दिया था और परम पूज्य योगी जी की सरकार में मैं ये जान रहा था निश्चित तौर से जिस तरीके से सम्मानित जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा था मुझे इन दोनों माफियाओं से कहीं कभी कोई भय नहीं था। बाहुबलियों का गढ़ कहा जाने वाला नौतनवा विधानसभा से ऋषि त्रिपाठी ने पहली बार जीत दर्ज की है। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषि त्रिपाठी जी खुद मौजूद हैं। ऋषि जी आप ये बताइए, जीत हुई है, इसके पहले कभी कमल खिला नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए 30 वर्षों से दो परिवार माफिया परिवारों का कब्जा था, लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था और उन्हें 3 मार्च का इंतजार था। हम जनसंपर्क में प्रचार में जब जाते थे तो जिस तरह माताएं बहनें मोदी जी योगी जी के विकास कार्यों को देखते हुए और उनसे जिस तरीके का उन्हें लाभ मिला था निश्चित तौर पर आशीर्वाद देती थी और 3 तारीख को उन्होंने मन बनाया था कि वो भोजन भरी थाली भारतीय जनता पार्टी निषाद गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। इसके पहले जैसे आप कभी चुनाव नहीं लड़े थे, पहली बार मैदान में थे और बाहुबलियों के गढ़ में चुनौती दी है, कभी डर नहीं लगा कि जो है इतने बड़े बाहुबलियों के बीच में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जब से परम पूज्य योगी जी की सरकार बनी बाहुबली अपनी हैसियत जान चुके थे और ये जो नौतनवा के दो बाहुबली थे, एक जो विधायक था इस समय वो अपनी स्थिति को जानते हुए हमारे निषाद पार्टी के टिकट के लिए बहुत दिन तक प्रयास करता रहा, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व ने उस माफिया को नकार दिया था और परम पूज्य योगी जी की सरकार में मैं ये जान रहा था निश्चित तौर से जिस तरीके से सम्मानित जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा था मुझे इन दोनों माफियाओं से कहीं कभी कोई भय नहीं था। प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, क्या काम अधूरे रह गए हैं जिसको आप पूरा करेंगे वहाँ पर? देखिए पहले भी मैं बताते आया हूँ कि इन दोनों जो ये दोनों वहाँ पे जनप्रतिनिधि थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना निजी विकास किया था। आप पूरे नौतनवा विधानसभा में घूम के देखेंगे तो ये दोनों माफिया सिर्फ अपनी निजी संपत्ति खड़ा किए, स्कूल कॉलेज संस्था जो भी कहीं भी इन्होंने कोई सरकारी योजनाओं को लाने का कार्य नहीं किया। जो योजनाएं आई भी वो प्रदेश और केंद्र की जो सरकार देती रही है हर विधानसभा में वही आई, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार भी बनी है और वहाँ विकास कार्यों को लेकर हम सरकार के बीच में। क्या लग रहा है बुलडोजर बाबा का राशन और सुशासन काम किया है इस चुनाव में? जी देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि केंद्र की मोदी जी की सरकार और प्रदेश की योगी जी की सरकार जिस तरीके से योगी जी के शासन में गुंडे माफियाओं को भगाने का कार्य किया गया, प्रदेश से उनके उचित स्थान जेल में भेजने का कार्य किया गया, जनता ये मन बना चुकी थी कि अब आगे भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार लाएगी। तो ये ऋषि त्रिपाठी जी थे, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जनता मन बना चुकी थी कि यहाँ नौतनवा में जो है परिवर्तन लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।